हे व्हाट्स अप गाइस, के सब सब लोग, वो तो बात की बातें, वो तो हम हर बार पूछते रहते हैं। तो आज हम क्या करने वाले माइनक्राफ्ट के अंदर, तो आज हम माइनक्राफ्ट के अंदर बनाने वाले क्या बनाने वाले वो आपको बताता है। स्टोरी है, पिछली बार आपको याद होगा कि हम माइनक्राफ्ट के अंदर आए थे भटके भटके अजीब से, मतलब रास्ते से, और हमें एक विलेज मिला था। फिर हमने विलेज को लूटा और वहीं पर अपना सामान रख दिया, अपने वहीं पर अपना घर बनाया, घर बनाया भी नहीं था शायद। और फिर वहीं पर हम एक केव थी, केव के अंदर हम चले गए माइनिंग करने, और माइनिंग करते करने के लिए गया मैं। और फिर मुझे उसी समय वहाँ पर एक स्पॉनर मिला। फिर उस स्पॉनर के ऊपर हमने काफ़ी ज़्यादा, मतलब हार्ड था शायद, मुझे याद नहीं है, पर हमने उसके ऊपर कब्जा कर लिया। और फिर उस स्पॉनर को वैसे के वैसे सेव करके रखा, और उसी दिन हमने सोच लिया था कि उसको हम एक्सपी फार्म बनाएंगे। तो आज वो दिन आ चुका है। तो आज हम क्या करने वाले, तो आज हम करने वाले उस एक्सपी फार्म को बनाने वाले, मतलब जो स्पॉनर था उसको हम आज एक्सपी फार्म में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो हे व्हाट्स अप गाइस, के सब सब लोग, तो आ चुके एक नए वीडियो के साथ वापस, और आज हम माइनक्राफ्ट के अंदर बनाने वाले हैं एक्सपी फार्म। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू कर देते हैं। तो ओके गाइस, मैं यहाँ तक आ चुका था, मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं अपने विलेज से थोड़े ही दूर पर एक विलेज मिला था। मैं वहाँ पर टेम्पल, मतलब डेजर्ट का विलेज था, मैं वहाँ तक आ गया था। और मुझे, मतलब वहाँ पर मैंने पूरा लूटा, और मुझे वहाँ पर एक, मतलब मैं आसपास सर्च किया कि वहाँ पर एक टेम्पल होगा, और टेम्पल मुझे मिल भी गया। मतलब ये काफ़ी, मतलब पहली बार हुआ था, मतलब मेरे साथ ये इससे पहले की स्टोरी है। मैंने वहाँ तक जाने के लिए अच्छे अच्छे, मतलब ये भी रखे थे, मतलब टावर बना के रखे थे अपने विलेज से यहाँ तक। तो मैं यहाँ तक आया, और मेरे साथ आज काफ़ी खतरनाक वाला, खतरनाक वाला स्कैम होने वाला है। मतलब मैं आया यहाँ पर, देख सकते माइनिंग कर रहा हूँ, माइनिंग कर रहा हूँ, और मैं टोर्चेस लाना भूल गया। अरे यार, टोर्चेस लाना भूल गया। मैं एक काम करता, टोर्चेस लेके आते जल्दी से। अरे यार, तो चलो टोर्चेस लेके आते। और फिर टोर्चेस लेके आ गया, मैं फिर से माइनिंग करने लगा। और करते करते मेरे साथ देखिए अब क्या स्कैम होने वाला है। मैं तोड़ता गया और तोड़ता गया, आप देखो, आप देख ही सकते हो, ये कुछ ही समय बाकी है अभी, ये टूट गया। और मैं जैसे ही टोर्च लगाई, ओ भाई, मैं देखते के देखते, मतलब पूरा सर पागल हो गया था कि क्या हो गया मेरे साथ। पूरा पूरा, मतलब एक क्या हो सकता, पहली बार हुआ, किसी के साथ नहीं हुआ होगा ऐसा, कि मतलब हम आए टेम्पल के अंदर आए और हमें कुछ भी ना मिला, ऐसा हो भी नहीं सकता। और मैं गिर भी गया, इतना पॉल्यूशन हो गया था। तो पहले टॉर्चेस लगाए, एक बार चेक कर रहा था सच है क्या झूठे, पर ये काफ़ी ज़्यादा एकदम खतरनाक बात थी। मुझे लगा अच्छा खासा लूट मिलेगी, अच्छा खासा मुझे इंटेंटिंग लूट मिलेगा, आर्मर मिलेंगे, क्या क्या मिलेगा, क्या सोच के आया था। पर यहाँ पर पूरा पूरा हमारा लॉल हो चुका है। ओके, और फिर क्या किया अभी, यहाँ से निकलने का टाइम है, काम करते जल्दी से यहाँ से निकलते। और मैं अभी ये पूरा हिस्ट्री वही दिखा रहा था आपको, यहाँ भी नहीं खेल रहा मैं। ओके, और फिर यहाँ से निकले जल्दी से, और अपना होर्स लिया, और एक 500 किलोमीटर की स्पीड से जल्दी जल्दी भागते। आप रास्ता देख सकते हो कितने तेज में भाग रहा हूँ, और अपना रास्ता, ये जब से टावर दिख रहे, वो टावर थे उनकी वजह से मैं यहाँ तक आया था, मतलब टावर बना के रखा था यहाँ तक आने के लिए, क्योंकि मैं चाहता था इसको रिकॉर्डिंग करके आपके साथ शेयर करूँ। तो मेरे साथ गलत ही वाला स्कैम हो चुका है आज, और भाई साहब काफ़ी दुख हुआ। तो फिर वैसे मैं एकदम दौड़ा दौड़ा के अपने विलेज तक पहुँच चुका, और यहाँ पर देख सकते सनसेट होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा तगड़ा व्यू वाला है। सनसेट होने वाला है कि सनसेट होने वाला है, सनसेट होने वाला है। और अपने हॉर्स को जल्दी से अपने घर के पास लेके चलते, और गोलम साहब कैसा हो, इतने मज़े में ना, और अपने हॉर्स को जल्दी से अंदर डालते अभी जा। हाँ, इसको वैसे गेट की ज़रूरत भी नहीं है, जंप करके जाते, बस गेट की ज़रूरत हमें, क्योंकि ये गेट से ना बाहर भी आ सकते, इस गेट से हॉर्स बाहर नहीं आ सकते, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, और फिर हम यहाँ से निकलते जल्दी, आप देख ही सकते क्या व्यू आ रहा है अपने घर का, जो कि अभी तक मैंने बनाया नहीं, वैसा का वैसा ही है। और टेम्पररी बस मैंने चेस्ट रखने के लिए, और चेस्ट देख सकते हैं आपने कितने सारे मैंने सॉर्टिंग करके रखा, मतलब सारा सारा का सारा सामान मैंने सॉर्टिंग करके रखा है, मतलब स्टोन अलग से, वुड अलग से, सब कुछ अलग से करके रखा है, कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। ओके, तो फिर देख सकते यहाँ पर पूरा का पूरा ये सामान लगने वाला है, और ये कुछ लेदर, लेदर मतलब ऊपर जाने के लिए पानी से, वो आप सेफ्टी साइड ले सकते हैं। और फिर मैंने यहाँ से देख सकते पूरा पूरा चेस्ट भर के रखी, मतलब ऊपर से थे वो नीचे लाइक शिफ्ट करी नीचे, उसे काफ़ी ज़्यादा समय भी गया। और यही से अपने पास नहीं थे, यही कैसे अपने रास्ते वापस जाने का, तो यहाँ से नीचे चलते जल्दी से। और स्पॉनर देख सकते आप, अरे यार जल्दी नीचे उतर, कितना स्लो है ना ये लिफ्ट,
कोई बात नहीं अभी यार, क्या बोल रहा मैं। अरे स्कारलेटन भाई अभी काम कर, इसको बेटी अपना प्लेयर पागल हो चुका है बेट से मार, और मर कितना कितना हार्ड है, चल हड्डी निकाल दे उसकी। ओके और यहाँ से जल्दी से चलते हैं अंदर, और यही देख सकते एंट्रेंस, और यही यहाँ पे मतलब जैसे सीढ़ी उतरते वही से अपनी एंट्रेंस, और फिर मैंने यहाँ से निकला और अंदर स्पॉनर, स्पॉनर के पास आपको काफ़ी ज़्यादा टॉर्चेस लगा के रखी है मैंने, मतलब कमी नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज़ की। और यहाँ पर आपको मतलब कितना मतलब पता है मेरे टोटल में मैंने काफ़ी मतलब गलती भी की थी, तो मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। ऊपर अरे यार तोड़ गया, इसको लगा देते इसके आजू बाजू चारों साइड चार चार ब्लॉक टोटल, मतलब आगे के साइड लेफ्ट साइड चार ब्लॉक और राइट साइड चार ब्लॉक, और जो ब्लॉक है उनकी हाइट यहाँ से लगभग तीन ब्लॉक, मतलब आगे कितने चार ब्लॉक की हाइट है ना, तो चार ब्लॉक की हाइट नीचे की साइड भी होनी चाहिए। ओके आठ ब्लॉक मतलब आठ ब्लॉक आठ बाय आठ का रूम बनाना है, और जो उसके मतलब जहाँ से पीछे चेस्ट रखे, देखो चेस्ट से मतलब आगे तक सीधा वहाँ तक आपको नौ ब्लॉक लेना, नौ ब्लॉक या फिर आठ ब्लॉक, मतलब वो किस तरफ से लेना है बताता हूँ आपको, जो आपका कॉर्नर है और नीचे जिस तरफ ज़ॉम्बीज गिरने वाले, तो उसके अपोजिट साइड में मतलब पानी का वाटर बकेट डालने हैं, वाटर बकेट जहाँ तक रुकेगी वहाँ तक आपको रखना है, और उसके आगे का तोड़ देना है। ओके और फिर अभी एक काम करते, इसको तोड़ना शुरू करते हो, बात की बात है आपको बाद में पता चलेगा कैसे बना रहा है, और तोड़ते जल्दी से इसको। अरे यार जल्दी टूटो, ये पिकेस काफ़ी ज़्यादा स्लो है, मेरे डायमंड पिकेस जिसकी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा खतरनाक खत्म हो चुकी है। एक काम करते डायमंड पिकेस लेके आते हैं, नई बनानी पड़ सकती है, कुछ बात नहीं हम बनाने लगे, काफ़ी ज़्यादा डायमंड है अपने पास काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि माइनिंग करने जाते रहता हूँ मैं, तो मरता भी हो काफ़ी बार, तो कोई बात नहीं अभी वो तो बात की बात, सब भी मरते हैं कौन सी बात माइनक्राफ्ट, ये सही बात है। ओके जल्दी चलते हैं, और जब हम यहाँ से निकलते हैं, अरे एक केस के अंदर पूरे शॉटिंग देख सकते हैं, ये पूरे आ रहे हैं सामान, और डायमंड की हेल्थ देख सकते हो, डायमंड पिकेट बराबर नाक के हिसाब हो सकते हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी देर माइनिंग करते समय पता है खत्म होते हैं, और यहाँ पर डायमंड देख सकते कितना ज़्यादा डायमंड है, टोटल 26 था शायद। ओके और यहाँ से हम जल्दी से पिकेट बना लेते हैं, पिकेट ओके पिकेट ओके डायमंड की पिकेट बन चुके, अभी जल्दी से माइनिंग जो एक्सपी फार्म की तरफ, मैं आज तक आ चुका हूँ और मैं पूरा का पूरा पार्ट गलती से स्किप कर दिया, मतलब आपको बता देता हूँ, ऊपर की तरफ चार ब्लॉक स्पॉनर के, नीचे की तरफ चार ब्लॉक चार मतलब टोटल हाइट आठ ब्लॉक की, और साइड बाय साइड आठ ब्लॉक और आठ ब्लॉक। ओके और ये यहाँ तक टोटल आठ नौ दस ग्यारह भी लग सकते हैं आगे की तरफ, ये जिस तरफ ज़ॉम्बीज गिरने वाले वो हाइट नौ ब्लॉक की रहनी चाहिए, मतलब ये दो ब्लॉक छोड़ देना, दो लाइन छोड़ देना क्योंकि यहाँ पर पानी जाने वाले यहाँ से, यहाँ से मतलब मैंने ऊपर पहले बनाया था पानी का, पर इसकी हाइट मैंने ऊपर बनाई थी पर मुझे तोड़नी पड़ी, और इसमें काफ़ी टाइम गया इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, मतलब मैं जो स्पॉनर है वहाँ तक मैंने हाइट रखी थी गलती से, वो मैं भूल गया था, और मैंने पानी का फवारे ऊपर रख दिए थे, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, जो पानी के फवारे हैं उनको वही ऊपर का पानी नीचे तक शिफ्ट करना पड़ेगा, और मैं उनको वहीं पर रखने वाला हूँ, और फिर उनको मतलब नीचे की तरफ से अभी छेद करके जाने वाला हूँ मैंने, अभी यहाँ पर ऐसे ट्रैप क्या बोलते उसको ट्रैप डोर लगाया, और यहाँ से एक दो तीन, क्योंकि ये भी पानी किस तरफ से रखना है पता है क्या आपको, मतलब जहाँ से पानी वाटर बकेट डाली हमने यहाँ से, तो ये पानी जाके जो 4x4 का मतलब हमने जो कुआ बनाया है जो कि 21 ब्लॉक की हाइट होती है उसकी नीचे तक, और यहाँ तक देखिए अभी यहाँ तक जाके पानी नीचे जा रहा है, तो पानी हमें नीचे नहीं जाना चाहिए कुछ भी करके, ओके पानी ऊपर तक ही रुकना चाहिए, तो क्या करना है फिर से जाके हम इसको ठीक कर दें, आप गलती मत कीजिए आप सॉरी, और यहाँ पर देखो पानी हो गया क्लियर नहीं हुआ अभी तक, मुझे ऊपर के ब्लॉक पे तोड़ने मतलब मुझे एल टाइप में तोड़ना पड़ेगा अभी, क्योंकि मेरा पानी ऊपर है, अरे यार मुझे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा अभी। ओके और यहाँ पे तोड़ा, और जल्दी से अभी यहाँ से वाटर बकेट उठाई, और मेरे हेल्थ पूरी तरह से जाना शुरू हो चुके, और फिर से हेल्थ बढ़ी फिर चली गई, अब मैं मरने वाला हूँ,
अब मैं मारने वाला हूँ 100%। लोग टूट भी नहीं रहे, टूट भी नहीं रहे, और यहाँ पर मैं आधा हेड और पेटी बन चुकी है मेरे। मैं फिर से घर के बाजू में आया, तो जल्दी से जल्दी अपने पूरा सामान लेने, तो मैं यहाँ तक आ चुका हूँ। जल्दी से एक्सपी फार्म में चलते, और ये रहा अपना सामान, आधा सामान नीचे चला गया शायद। अब एक काम करते, जल्दी से जाके नीचे सामान लेके आते। ओ भाई, पूरे के पूरे हालत ख़राब हो चुकी है मेरी, यहाँ पर पूरा का पूरा सामान चला गया। कोई बात नहीं आती, एक काम करते जल्दी से जाके पूरा सामान लेके आते। और यार पूरा का पूरा अंधेरा है, यहाँ पर टॉर्च लगाए तो मेरा सामान इतना ही करे। मुझे लगता है पूरा का पूरा सामान अंदर रह गया, मतलब जहाँ पर मैं मरा उधर ही मेरा पूरा सामान रह चुका। अभी एक काम करते जल्दी से जाके अंदर चलते, फिर अंदर से पूरा अपना सामान लेके आते। और भाई साहब, ये तो मेरे साथ अलग ही पंगे हो चुके। मुझे ऊपर का पानी छोड़ देना चाहिए, नीचे से शुरुआत कर देनी चाहिए थी, तो क्या करें, आज आलसी इंसान, और उसी का मुझे नतीजा भुगतना पड़ा। आप गलती मत करना, आप डायरेक्ट नीचे से आर ब्लॉक तो ले लेना, जिसने पूरा का पूरा तोड़ दिया। पर मैंने काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर दिया मैंने यहाँ पर। कोई बात नहीं, अभी क्या इतने चांस बार बार मरेगा तो ऐसा कैसे चलेगा। मुझे वाटर बकेट उस तरफ डालने में, क्योंकि मैंने वहाँ के वाटर बकेट निकाल लिए थे, और वाटर यहाँ पर रखा। अरे यार, ये ऊपर के ब्लॉक रख दिए, और यहाँ पर भी एक लगाना है। ओके ओके, हो गया। फिर यहाँ पर भी पैक करना है ब्लॉक, और फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा का पूरा पानी दोनों का दोनों साइड रुक चुका है। ओके, मतलब दोनों के दोनों पानी, दो साइड से मैंने पानी डाला था, वो पानी अभी नीचे नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये प्रॉपर रुक चुका है। तो आपको क्या करना है, सीधा बात है, यहाँ पर नीचे पांच ब्लॉक है, यानी कि 9 ब्लॉक की हाइट लेनी है। यहाँ से पांच ब्लॉक ऊपर रहेंगे, 1 2 3 स्टार्ट। तो गाइस, आपको क्या करना है, सिंपली सेम टू सेम उस साइड के इस साइड करना है, मतलब नीचे अंदर तक 4 ब्लॉक तक पानी अंदर खोदना है, वहाँ पर पानी डालना है, वो पानी 9 ब्लॉक प्रॉपर हो जाएगा। मतलब जहाँ तक छेद है वहाँ से 9 ब्लॉक तक अंदर खोदना है, वो पानी नीचे नहीं आना चाहिए। बस सिंपल समझना है, आप समझ जाओगे इजीली। और क्या करना है, यहाँ पर मुझे ना अभी अनलिमिटेड वाटर सोर्स बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर और मुझे अभी पूरा फिल करना है। आपको याद ही होगा कि जो हमने आयरन फार्म बनाया था, सेम वही कंसेप्ट है, और कोई भी कंसेप्ट नहीं है, सेम टू सेम वैसा ही बनाना है। आप वैसे ही बना सकते हो आयरन फार्म के जैसा, सिंपल सी बात है। वहाँ पर आयरन गोल्डन स्पॉन होते हैं, यहाँ पर ज़ॉम्बी स्पॉन होंगे, और वैसे के वैसे ही जाके हम वैसे गिरने वाले हैं। ये लावा में नहीं गिरेंगे, ये हाइट से नीचे तक गिरेंगे, और आपको हाइट भी एडजस्ट कर सकते हो, मतलब आपके ज़ॉम्बी 21 ब्लॉक टू 20 ब्लॉक तक देखना है, वहाँ तक आपको तोड़ते रहना है नीचे तक, और वहाँ पर नीचे स्लैब्स लगाने, और उसके नीचे हॉपर्स और चेस्ट, वो तो बात की बात है, वो आपको बाद में पता चलेगा। ओके, और फिर मतलब आप पूरी वीडियो देख रहे हो मेरी, क्योंकि मैं कभी कोई भी टॉपिक कभी भी बताता हूँ, कभी भी काम कर देता हूँ, तो आप मेरी पूरी वीडियो देखिएगा। और आप तक यहाँ तक देख रहे हो तो लाइक भी कर दीजिएगा ज़रूर प्लीज़। तो यहाँ पर ये पूरा तोड़ देते, और फिर देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तरीके से एकदम प्रॉपर वर्क हो चुका है, और यहाँ पर ज़ॉम्बीज भी स्पॉन हो सकते। जैसे मैं टॉर्च तोड़ूंगा तो यहाँ पर ज़ॉम्बीज स्पॉन होंगे। अभी मुझे कुछ भी करना है, सिंपल नीचे जाना है, और नीचे जाके चेक करना है कि यहाँ पर, अरे यार ऊपर चढ़ते पहले, यहाँ से ज़ॉम्बीज नीचे गिर के मर रहे हैं कि नहीं, मतलब हाइट प्रॉपर है कि नहीं, ये चेक करना। और यहाँ पर गए, और ये स्पाइडर की भाई भाई, अरे स्पाइडर मुझसे पंगा मत ले, नहीं तो मार ही जाएगी तू, सिंपल ही इसको मार दूंगा मैं आज, मेरा पूरा मूड खराब कर दिए स्पाइडर। ओके, अरे नीचे नहीं जा रही है, क्या खाके है अभी इसको, तो पूरे तरीके से मार दे मैंने। और अपन एक काम करते, वाटर बकेट डालते हैं और जल्दी नीचे चलते हैं, और नीचे ज़ॉम्बीज भी है, मुझे उनको भी मारना पड़ेगा। और यहाँ पर पूरा अंधेरे में कुछ दिखा भी नहीं दे रहा, बस अभी मैं शॉट चलाते जा रहा हूँ, चलाते जा रहा हूँ, और मरते जाएंगे सभी ज़ॉम्बीज, मेरे 2 हार्ट्स बाकी है ओनली। और यहाँ पर पूरे तरीके सबको मार दिया, ओनली 2% हेल्थ बाकी है, और यहाँ पर मुझे मरने रहते ज़ॉम्बीज, इसलिए हाइट बढ़ानी पड़ रही है। और मुझे हाइट कितनी, मतलब लगभग 4 ब्लॉक तक बढ़ानी है, 22 ब्लॉक्स या फिर 21 ब्लॉक, मतलब आपको देखना है स्केलेटन ऊपर से गिर रहा है तो मर रहा है कि नहीं, जिससे मरेगा उससे सिर्फ 1 ब्लॉक ऊपर बढ़ाना है हाइट। फिर देखना, मतलब नॉर्मली आपको पहले ब्लॉक से लगाने हैं, ना कि हॉपर, और ये बाद में लगाना चाहिए,
पहले आपको चेक करना है कि ज़ॉम्बी आपको कहाँ तक मरे, तो उसे एक ब्लॉक ऊपर रखना, मतलब आप उसको सिंपली टच भी करोगे ना वो मरना चाहिए, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो? ओके, और भाई साहब मैं थक गया अभी। और फिर आपको क्या करना है यहाँ पर, अरे स्लैब बन क्यों नहीं रहे, इन स्लैब की रेसिपी प्रॉपर डाली थी फिर भी स्लैब बन नहीं रहे, तो कोई बात नहीं स्लैब बन चुके हैं। और पूरे पूरे सेटअप भी लगा लिया, आप देख सकते हो ऊपर की तरफ नीचे जो चेस्ट लगाई, चेस्ट को और ये होपर लिया, और होपर को ऐसे ज्वाइन करना, मतलब एक और यहाँ पर दो, और इसको ज्वाइन करना है, बाकी किसी भी होपर को, कोई भी होपर ज्वाइन कर लो उससे कोई नहीं, बस दोनों होपर चेस्ट से ज्वाइन होने चाहिए दोनों, या फिर एक और तीनों सभी होपर एक दूसरे से कनेक्टेड चाहिए। ओके, ये आपने चेस्ट रखी और यहाँ पर आके मरने वाले, तो आपको क्या करना है सिंपली यहाँ पर जो होपर से ऊपर से ऊपर स्लैब्स लगाने, और मेरे हेल्थ देखिए आप कितनी ज़्यादा कमी, मैं हेल्थ भी नहीं बढ़ा पा रहा, और यहाँ से इसको तोड़ देते। ओके, ओ भाई जल्दी अभी हो जा। ओके, तो हो गया, अभी एक काम करते जल्दी से ऐसे ना, हम आपको ये पता ही होगा कि मतलब स्पॉनर का, और जहाँ से हम आए थे और जहाँ से अभी जो ज़ॉम्बीज है वो गिरने वाले, मतलब जो क्या बोलते उसको, जो गड्ढा था अभी इधर या नीचे गिरने वाले, तो हमें सिंपली क्या करना है पता है क्या आपको, अरे यार मैं सो के उड़ गया, आपको क्या करना है कि जो जहाँ से ज़ॉम्बी नीचे गिरने वाले उसके ऊपर एक खड्डा करना है, खड्डा नहीं मतलब गुफा टाइप बनाने, मतलब उसका रास्ता दूर से होगा, पीछे से रास्ता होगा, और आप उस जगह पर जाओगे ऊपर की साइड, जहाँ पर आप जहाँ से आप स्पॉनर को देख सकते हो, स्पॉनर को जिस दिन आप देखोगे वही भी आपके सामने ज़ॉम्बी स्पॉन हो जाएंगे, वरना ज़ॉम्बी स्पॉन होने के चांस काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं, जब आप स्पॉनर के पास होते हो तभी ज़ॉम्बी ज़्यादा से ज़्यादा स्पॉन होते हैं। ओके, एक फैक्ट याद रखना। और फिर मैंने यहाँ पर रास्ता बना लिया, अब पूरा पूरा आपको मैप दिखाने वाले, मैंने कहाँ से कहाँ पर मैं रास्ते बनाए, मतलब मुझे इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम भी गया, और आप रास्ता देख के सच्ची में चौंक जाओगे कि ये रास्ता कहाँ से कहाँ पर निकल दे, सच बता तो मुझे भी ठीक से मैप याद नहीं, और यहाँ पर देख सकते हो किस तरीके से बनाया गया मैंने, और यार एक स्केलेटन क्यों मार रहा है इसको मैं छोड़ूँ, अरे यार इधर मुझे मारे जा रहे हैं, मैं शील्ड कर लेता हूँ, और आप देख सकते हो यहाँ पर, मतलब आप प्रूफ सामने देख सकते हो जो विंडोज दिख रही ना उसी तरफ से आपको बनानी है, मतलब वहाँ से आप जाएंगे और ज़ॉम्बीज को देखेंगे कि वहाँ पर स्पॉन थे। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर जो स्केलेटन है वो जा रहे हैं, और आपको सिंपली पता है उस तरफ छेद करना है, मतलब उस तरफ से देखना है, यहाँ से नहीं देखना, मतलब यहाँ से भी देख सकते हो ऐसी कोई बात नहीं, बस आपको वहाँ तक जाने में तकलीफ होगी जहाँ तक जहाँ ज़ॉम्बीज गिरने वाले। फिर क्या करते हैं यहाँ से आप रास्ता, एक रास्ता देख सकते हो, ये रास्ता नीचे गया यहाँ से, और यहाँ तक यहाँ से गया, और फिर यहाँ से नीचे गया, मतलब आप पूरे कंफ्यूज हो जाओगे, बस सिंपली नीचे नीचे उतरा और एल के साइज में नीचे गया, मैंने ये चेंज कर दिया, यहाँ पर देख सकते हो ज़ॉम्बीज स्पॉन हो रहे, और मेरे एक्सपी भी देखो अभी साथ है, थोड़ी देर में काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाले, और मैं तो उससे पहले तक बनाया था, काफ़ी ज़्यादा बार बढ़ रहे थे, काफ़ी मतलब खतरनाक वाला फार्म है, और यहाँ पर पूरे का पूरा सामान जा रहे हैं, बाकी मेरे सामान गिरा था कोई बात नहीं उसको उठा लेंगे बाद में। अभी एक देखिए यहाँ पर एक शॉट मारी और पूरे के पूरे ज़ॉम्बीज मर चुके स्केलेटन, बस एक शॉट में पूरे के पूरे स्केलेटन मर जाएंगे, आपके 30 से 40 एक्सपी भी बढ़ सकते हैं, आपने ज़्यादा देर तक वहाँ पर रुका, 30 से 40 एक्सपी बस एक सेकेंड में बढ़ सकती है, एक सेकेंड में। ओके, और आपको क्या करना है सिंपली ये हो गया, आप रास्ते देख सकते हो नीचे जो होपर थे वो किस तरीके से लगा, मीन्स कुछ अलग तरीके से लगा, पर कोई बात नहीं आप आपके मर्जी से लगा सकते हो, कैसे भी लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, बस होपर सारे के सारे होपर चेस्ट से कनेक्टेड होने चाहिए, और दो फंडे ऊपर से गिरने वाले जो होपर से वहाँ तक जाने के लिए आपको एक रास्ता बनाना है, और ये रास्ता वही है, और दूसरा एक रास्ता बनाना होगा जो कि उस साइड से आप देखने वाले हो जहाँ पर आप स्केलेटन से आने वाले, वह जगह पर एक जाने के लिए रास्ता बनाना होगा, तो चलो जल्दी से चलते दूसरा वाले रास्ते के ऊपर जो कि हमने वो बनाया था। ओके, ये देख सकते यहाँ से रास्ता नीचे जा रहा है, तो यहाँ से देख सकते ये दूसरा वाला रास्ता है, ये रास्ता जाता है जहाँ पर हम जहाँ से हम देखने वाले। ओके, और पीछे का रास्ता क्या है आपको बाद में पता चलेगा, और यहाँ पर देख सकते मैं आते ही वहाँ पर स्केलेटन स्पॉन हो चुकी है, मतलब आप जहाँ तक जितनी देर तक आप तक रुकोगे उतनी देर तक वो स्केलेटन तीन तीन के, मतलब तीन तीन और तीन उस तरीके से स्पॉन होते रहेंगे, और आपको
उतनी ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलते रहेंगे। और ये रास्ता कहाँ तक आ चुका है, ये कौन सी माइन है, आप ज़्यादा कंफ्यूज हो चुके होंगे ये कहाँ से रास्ता निकला है, ये कौन सी जगह है। आप टेंशन मत लीजिए, ये रास्ता एकदम खुफिया रास्ता है, अरे हम यहाँ पर कुछ बनाने वाले जो कि आपके ओ भाई ये रास्ता दिखना चाहिए, और इसको जल्दी बंद कर देते, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक खजाना है। और ये अभी आपको जब भी देखाऊंगा जब आप सब्सक्राइब का बटन जल्दी से प्रेस करोगे, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ओके। और फिर जल्दी से देख सकते यहाँ पर मैं उल फार्म के नीचे हूँ, सिंपल आप पागल हो जाओगे कि हम कहाँ से गए थे नीचे और कहाँ से बाहर निकले उल फार्म, और हम गए कहाँ से, तोड़ा कहाँ से, और उल फार्म कहाँ पर है, और कहाँ मैं भी पूरी तरीके से पागल थी, कहाँ पर निकला मैं, बस खोदता गया जब मुझे ये ब्रिक्स स्लैब दिखे तब भी सोच गया अभी ये कहाँ पर निकला मैं अभी, ओके। मतलब जो आपने वुल फार्म में उसके नीचे मैंने एक रास्ता बनाया सीक्रेट, मैं वहीं पर निकला, अगर मैं वो नहीं बनाया तो मुझे पता भी नहीं चलता कि मैं कहाँ पर हूँ। जब मैं बना था तभी जब जिस दिन मैं अपने वुल फार्म के नीचे कुछ बनाना शुरू करते तभी मुझे अचानक से मिलता एक कौन सा खजाना मिल गया, अरे आपने ही खजाना था, ओके। एक पुरानी बात है, आप उसके ऊपर क्या जॉक करेंगे। तो आज पूरी तरीके से बन चुका है, मतलब आपका एक्सपी फार्म पूरी तरीके से कम्प्लीट हो चुका है, और आपने मतलब आपको समझ में आया कि नहीं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मुझे नहीं लगता कि आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा क्योंकि मैं क्या बड़बड़ रहा मुझे भी पता नहीं, ओके। और आपने आखिर तक वीडियो देखा, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा बड़े दिल से धन्यवाद। और भाई साहब आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जाके लाइक कर देना, काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। और चैनल पे आप नए हो तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर देना, वो आपका वेटिंग में, सर आइए जल्दी से मुझे प्रेस कीजिए, ऐसा बोल रहा था सब्सक्राइब का बटन, तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर देना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।